सो हेलो, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, मतलब लाइट थोड़ी गई हुई है, रोशनी नहीं है उतनी, तो जो वीडियो है वो थोड़ा सा डार्क फील होगा या थोड़ा आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ दिख सकता है, तो मे बी सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो उसके उतना करवाने की, बट मतलब थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट रखना, ठीक। देखते हैं इसको आगे, सुनिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके बारे में, एक मिनट भी कुछ अगर मैं दिखता हूं तो वो विजिबल है ना? ओके, विजिबल है, पक्का विजिबल है। सुनो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, मैं आपको एक तो मैं आपको बता रहा था कि लेमडा रो है और सिग्मा है वो कितना हो सकता है, हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। तो मिनिमम लिमिट तो मैंने बता दी थी कि ज़ीरो तो नहीं हो सकता, ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा लेमडा, क्योंकि ना देखो लेमडा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे लेमडा की बात करो, चाहे रो की बात करो, चाहे सिग्मा की बात करो, आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑल। तो अगर मैं आपको इसके अंदर अगर बताऊँ सबसे पहले, तो इसके अंदर हाँ ये ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा, बराबर नहीं होगा कभी ज़ीरो के। अच्छा, एक चीज़ और देखो, क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है? इन्फिनिटी कब हो? जब क्यू बाय एल, जब या तो एल ज़ीरो, क्या लेंथ कभी ज़ीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। या फिर उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज हो, इन्फिनिटी चार्ज हो, क्या उसके ऊपर इन्फिनिटी चार्ज हो सकता है? देखो इन्फिनिटी जैसी तो कोई लिमिट होती नहीं, बट एक बहुत बड़ा चार्ज उसके ऊपर हो तो वी कैन से के इसके ऊपर इन्फिनिटी चार्ज है, बोल सकते हैं, क्या पता हो, एक बहुत बड़ा चार्ज हो तो कह सकते हैं, हो सकता है। बट देखो, अगर इन्फिनिटी चार्ज कभी हो भी ना, तो भी किसी वायर के ऊपर इन्फिनिटी चार्ज रह नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको इसी कोर्स का, ट्वेल्थ के कोर्स का जब फोर्थ चैप्टर करवाऊँगा, तो फोर्थ चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हर जो कोई भी मटेरियल होता है ना दुनिया का, उसके ऊपर चार्ज को रखने की या वो मटेरियल को चार्ज होल्ड करने की एक लिमिट होती है। कोई भी मटेरियल एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ये आप याद रखना। और जो उसकी लिमिट होती है चार्ज को होल्ड रखने की, वो क्या होता है? कैपेसिटेंस। अच्छा, अगर आप कोई बॉडी है उसको अगर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा चार्ज देने की कोशिश भी करोगे ना, मान लो कोई बॉडी है उसको आप ये चाहोगे कि यार इसकी लिमिट 250 कूलाम है, मैं 250 कूलाम नहीं, मैं इसको 500 कूलाम चार्ज दूंगा, तो उससे होगा क्या? उससे जो 250 कूलाम है वो तो उसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, और जो बाकी का 250 कूलाम चार्ज आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, वो चार्ज उससे स्पार्क करने लगेगा। स्पार्क करने का मतलब क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कई बार जब वायर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वायर है वो जल जाता है वायर के अंदर से, या आपने खंभे पर भी देखा होगा जब सर्दियों गर्मियों में खंभा है उसके ऊपर वायर काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वायर है उस पर आग लग जाती है, ठीक है। चिंगारी, स्पार्किंग को हिंदी में बोलते हैं चिंगारी, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप कोई बॉडी को उसकी कैपेसिटेंस से ज़्यादा अगर उसको चार्ज देने की कोशिश करोगे तो वो जो चार्ज है वो स्पार्किंग में चेंज हो जाएगा, यानी वो जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चिंगारी के रूप में बाहर निकलने लगेगी, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में बदल जाएगी, वायर को खूब सारा गर्म करके जला देगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस होती है एक स्पेशल, तो उस कैपेसिटेंस के बेसिस पे ही हम दे सकते हैं, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकती कभी भी, और आज तक दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके ऊपर चार्ज है वो इन्फिनिटी चार्ज ठहराया जा सकता हो, हर चीज़ की एक लिमिट है। अगर लकड़ी को भी बहुत सारा चार्ज दे दोगे एक जगह, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज एक्युमुलेट कर दोगे, तो एक टाइम के बाद वो भी जल जाएगी, ठीक है, बर्न हो जाएगी। और ऐसे ही बादलों में होता क्या है, जो आपने सुना होगा बिजली चमकना, ठीक है, तो बिजली इसीलिए चमकती है क्योंकि जो आपके बादल होते हैं ना, जो आपके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के ऊपर आपस में रब करते हैं क्लाउड्स, ठीक है, आसमान में जो क्लाउड है वो आपस में रब करते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, जब वो एक दूसरे से घिसते हैं ना, तो एक के ऊपर से तो चार्ज निकल जाता है और दूसरे के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है कुछ टाइम बाद उनके घिसने के कारण। ओके, ये क्या हुआ, लाइट आ गई है,
इसको तो कम भी नहीं कर सकते। अब देखता हूँ मैं करके, कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है रुको करते हैं। एक मिनट रुको भी, एक मिनट ठीक है देखो। हाँ देखिए भी अभी विजिबल है, ठीक है सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम दोबारा इस पे बात करते हैं आगे। तो अगर हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो आपके बादल होते हैं ना उनके ऊपर बहुत सारा चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट होने के कारण बादलों में होता क्या है, अब मान लो ये बादल है इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, अब इसके ऊपर और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, बट बादल तो आपस में घिसते रहते हैं। अब नेक्स्ट जब बादल घिसेगा ना तो फिर ये जो फालतू का चार्ज है ये स्पार्किंग करेगा, और वो स्पार्किंग आपको किसकी फॉर्म में दिखाई देगी, बिजली की फॉर्म में दिखाई देगी, आपको ये लगेगा कि बिजली कड़क रही है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, आप इसको समझे होंगे व्हाट आई एम सेइंग या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई कर लोगे ना इसको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब, हाँ तीसरा जो आपका था, तीसरा आपका कौन सा था, तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है वो बताता हूँ आपको। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो होता है वो मैं बता चुका हूँ, अब तो मुझे करवाना क्या है, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ और यहाँ वीडियो स्किप मत करना क्योंकि यहाँ आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। हाँ तो सुनो, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब पे आप क्यू चार्ज लेके आए थे, उस क्यू चार्ज को आपने चूरन में बांटा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के बाद आपने किया क्या, वो जो आपका क्यू चार्ज था उसको इसमें इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है इसके ऊपर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आपने इसके ऊपर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस हिसाब से, ठीक है हाँ, अब ये छोटा सा चार्ज यहाँ है, ये छोटा सा चार्ज कितना हुआ dq, क्लियर। अच्छा अगर ये छोटा सा चार्ज dq हुआ तो इस dq से r पॉइंट दूर, r डिस्टेंस पे हम कोई चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज q नोट, हमें उस q नोट चार्ज के कारण क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अगर हमें उस q नोट चार्ज के कारण फोर्स निकालना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस dq के कारण इस q नोट पे फोर्स निकालेंगे, और वो फोर्स बहुत छोटा सा होगा, कितना होगा df, कितना k dq q नोट और अपॉन में r स्क्वायर, क्लियर है ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको पूरा फोर्स निकालना है f, तो f निकालने के लिए आप क्या करोगे, df का इंटीग्रेशन करोगे। अब कईयों को ये डाउट होता है कि इंटीग्रेशन ही क्यों करते हैं, आखिर ऐसी क्या रजा है कि हम लोग इंटीग्रेशन ही करते हैं, ठीक है तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ये चर्चा हम आज ही करेंगे, आज के बाद ये चर्चा हम कभी नहीं करेंगे। और अगर मैं आपको देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसी चर्चा आज तक किसी ने करवाई नहीं होगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगा कि बहुत कम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होता है, ठीक है कि इंटीग्रेशन ही क्यों किया, गॉट इट। सुनो अच्छा, ये dq चार्ज है छोटा सा,
इसके कारण जो फोर्स हो गया वो डीएफ हो गया। तो मैं मान लेता हूँ कि ये छोटा सा है, मैं इसको इधर बनाता हूँ एक बार, इसको समझना भी अच्छे से। ये क्यूब था, इस क्यूब में मैंने जो चार्ज का चूरा था उसको इतना छोटा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर बात करें सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ मैंने छोटा सा पार्ट लिया था डी क्यू, इसके कारण जो फोर्स आया वो क्या आया, डी एफ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं डी एफ वन मान लेता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ जो फोर्स है वो छोटा सा और मैं कोई पोर्शन लूँ, और वो जो पॉइंट था क्यू, अब इससे देखूँ तो इससे डिस्टेंस होगी आर टू और इससे होगा डी एफ टू। तीसरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँ डी एफ थ्री फोर्स होगा उसके कारण, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लूँ उसके कारण डी एफ फोर होगा, यहाँ पे लूँ उसके कारण डी एफ फाइव होगा, यहाँ पे लूँ उसके कारण डी एफ एन। यानी इसके अंदर मैंने करोड़ों ऐसे छोटे छोटे डी एफ बांट दिए, छोटे छोटे डी वी बांट दिए, और जिनके कारण डी एफ वन डी एफ टू डी एफ थ्री डी एफ फोर ऐसे बहुत सारे फोर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आप डी एफ वन प्लस में डी एफ टू प्लस में डी एफ थ्री प्लस में डैश 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 डी एफ एन सबका आप क्या करो, प्लस करो। अच्छा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, सिग्मा एन कहाँ से कहाँ तक, वन से इन्फिनिटी, और सबका सम करना है किसका, डी एफ का। अब मेरी आप एक बात सुनो, ये रिक्टेंगल है, इस रिक्टेंगल की ये जो लेंथ है ये है 5 और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 7, और मैं बोलता हूँ कि आपको इसका एरिया निकालना है। अब मैं आपको एरिया निकालने की एक नई अप्रोच सिखाता हूँ। देखो ये इतनी सी जो लेंथ है, ये इतनी सी लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है, 5 है। मैं इसको अलग रख लेता हूँ, ये जो लेंथ है ये कितनी है, 5 है। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो 5 है इसकी थोड़ी सी ये विड्थ है, और ये विड्थ है, ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ है डीबी, ठीक है। तो इस इतने से पोर्शन का एरिया क्या हुआ, 5 × dB हुआ ना। अच्छा असल में हुआ क्या है, ये जो 5 है इसके नीचे मैंने ये इतना सा पोर्शन लिया है, अगर मैं इतना सा पोर्शन ही और ले लूँ, फिर इतना ही पोर्शन और ले लूँ, तो एक टाइम मैं इतने इतने इन्फिनिटी पोर्शन लूँगा तो पूरा का पूरा ये बन जाएगा ना 7 मीटर लंबा है। ऐसे भी मैंने 7 मीटर लंबा था उसको ऐसे बहुत छोटी छोटी इन्फिनिटी पालियों में मैंने बांट लिया ऐसे, और फिर एक जो ये है इसकी विड्थ मैंने ले ली डीबी, ये छोटी सी इतनी सी विड्थ मैंने ले ली डीबी। अब मैंने किया क्या कि ये 5 है ये डीबी है, तो ये इतना सा जो एरिया है ये एरिया मैंने कितना निकाल लिया, 5 डीबी। अब जो 5 dB है ये इतने से पोर्शन का एरिया है, अगर मुझे पूरा पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखना आप इंटीग्रेशन करने से ये पोर्शन है ये पूरा आगे तक चला जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, डीबी कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ डीबी बिल्कुल ही नहीं था, एक छोटी सी लाइन थी बस ये 5 सेंटीमीटर की, तो 0, और यहाँ जाके डीबी लास्ट कितना हो गया, 7।
तो डीबी है उसका कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करूँ, 0 से 7। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से 12 जाता है, अंदर क्या बचा 0 से 7 डी। 5 का 5 डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो गया बी, और बी कहाँ से कहाँ तक 0 से 7 तक है ना, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो 5 का 5 और b की लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7 माइनस 0, तो 5 और (7) कितना आ गया, असल में ये ऐसे निकलता है, और इसी को हमने फॉर्मूला बना लिया लास्ट स्टेप को, 5 × 7 लेंथ इंटू विड्थ और क्या रिक्टेंगल का एरिया। तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई छोटा सा पार्ट आपको मिल जाए ना, छोटा सा पार्ट, तो उस पार्ट का एक छोटी सी लिमिट से एक बड़ी लिमिट तक आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको पूरे का वो सिस्टम मिल जाता है। अगर आपको इतने से पोर्शन का अगर फोर्स मिल गया ना, तो आप इस इतने से फोर्स का पूरा इंटीग्रेशन कर दो, तो उस इंटीग्रेशन से आपको पूरे का क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये डंडी है इसका एरिया 5 dB, इसका एरिया 5 dB, इसका एरिया 5 dB, इसका एरिया 5 dB, तो 5 dB, 5 dB, 5 dB को प्लस करते और देखते सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से ∞ 5 dB, तो फिर उस जो सिग्मा था उसको प्लस करते 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 आपका पूरा आ जाता 35, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन का मेन सीधा यही है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको एक छोटी सी चीज़ पता हो और उससे आपको एक बहुत बड़ी चीज़ निकालनी हो, अगर पूरा का पूरा आपको अगर एरिया निकालना हो, आपको पूरा का पूरा फोर्स निकालना हो, आपको छोटा फोर्स पता है, आपको बड़ा उसके लिए कुछ भी एनलार्ज करना हो, तो वहाँ इंटीग्रेशन काम आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार एक छोटा सा फोर्स df रख के और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें पूरा फोर्स मिल जाता है f। आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। देखो ये चीज़ मैं 3 बार नहीं बताना चाहता, मैं कुछ भी मान दो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बार में आपको ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। चलो तो मिटा दिया, इसको पूरे को साफ़ करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा वापस पॉइंट पे आते हैं ना। तो मैंने आपको बस यही समझाया है कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन से कोई चीज़ पूरी आ कैसे जाती है। जैसे एरिया आया वैसे हर चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया है, आपको ये एग्ज़ाम्पल अपनी डेली लाइफ में ट्राई करना है ऐसा मान के, और मुझे बताना कि हाँ ये चीज़ भी सर हमने ऐसे निकाली थी, है ना। देखो सो स्टार्ट करते हैं इसको, सुनो। तो यहाँ ये सिग्मा है, ये सिग्मा मैंने एज ऑलवेज आपको बताया किसमें बदल जाता है, इंटीग्रेशन में, और क्या बन गया आपका df, ठीक है। अच्छा df क्या हुआ, इंटीग्रेशन के q0 dq/r2। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आप मतलब भगवान ना करे आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, मान लो आप मलेरिया वगैरह या कुछ हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाके आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना खून है। अब मुझे ये बताइए, क्या वो आपकी पूरी बॉडी को काट के और फिर उसका खून अलग निकाल के फिर कोई कंटेनर में भरते हैं और आपको तोल के बता देते हैं कि हाँ भाई तेरे अंदर इतना खून है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो सिर्फ सिरिंज से मतलब सिर्फ थोड़ा सा खून निकालते हैं एक सिरिंज भर के, और उससे आपको वो बता देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 5 लीटर खून है, 7 लीटर खून है, ऐसा कुछ है, ठीक है। वैसे ये डेटा वेरी करता है भी, कई बुक्स के अंदर लिखा होता है हर बॉडी के अंदर इतना खून होता है, देखो ऐसा नहीं होता। एक ह्यूमन बॉडी ऐसा भगवान का दिया हुआ ऐसा मतलब है, एक मशीन है जिसकी कोई चीज़ निर्धारित नहीं है, हर बच्चे की फिजियोलॉजी अलग होती है। अगर मैं आपको जनरली बोलूँ तो देखो ये तो मतलब ये चीज़ें अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये चीज़ें बना दी है, अगर रियलिटी बोलूँ तो उन्होंने हर चीज़ की लिमिट सेट कर दी है कि ये इतना ही होगा, हर बॉडी के अंदर इतना खून है, इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो एनोमली है, कोई डिजीज़ ही है वो, अगर इतना नहीं है तो वो भी डिजीज़ है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, हर बॉडी के अंदर पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी ये चीज़ वेरी करती है ना।
जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो अगर आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि एक आदमी है उसको 4000 कैलोरी भोजन करना चाहिए, औरत है उसको 3000 कैलोरी भोजन करना चाहिए, मजदूर है उसको ऐसा 3750। ये डेटा मैंने खुद ने पढ़ा है, शायद हमारी 6th की क्लास थी या 5th की क्लास थी उसमें लिखा था, ठीक है। बट आप मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप तीनों सेम वेट के कोई तीन आदमियों को ले लेना, उनको सेम खाना खिलाना और आपको पता चलेगा कि किसी को तब भी भूख लगी रह जाएगी और किसी को किसी का पेट तब भी बढ़ जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मैं अगर कहना चाहूँगा तो विविधताएँ हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। या आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते। चलो आप वापस पॉइंट पर आते हैं। तो आप अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने जाते हो तो वहाँ आप करते क्या हो? वहाँ आपकी पूरी बॉडी को नहीं तोला जाता, वहाँ आपका एक सिर्फ एक सीरीज भर के आपका खून निकालते हैं वो लोग और उससे आपको बताते हैं कि हाँ जी आपकी बॉडी के अंदर इतना खून है, 5.5 लीटर 6 लीटर ऐसा वो आपको बताते हैं, एक आइडिया दे देते हैं। तो वो असल में करते क्या है? वो असल में करते ये है, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, ये कोई चीज़ है इसका वॉल्यूम है 10 लीटर और इसके अंदर जो मास है वो कितना है 10 kg। तो अगर आप इसकी डेंसिटी निकालोगे तो वो कितनी होगी? पूरा मास 10 और बाई में पूरा वॉल्यूम 10, कितनी आ गई? 1 आ गई डेंसिटी, है ना। अब उसी कड़ी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस एक पार्ट का मास कितना होगा? 1, और इस एक पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी का 10 लीटर वॉल्यूम है तो इस इतने का कितना हो जाएगा? 1। और पूरी बॉडी का मास अगर 10 kg है तो इस इतने से पार्ट का जो मास है वो भी कितना हो जाएगा? 1। तो दोबारा आप डेंसिटी निकालोगे तो वो क्या निकालोगे? 1/1, आंसर कितना आएगा? 1। यानी कहने का मतलब हुआ आप सिर्फ इतना सा पार्ट लेके डेंसिटी निकाल लो, चाहे आप इतना सा पार्ट लेके डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी हमेशा क्या आएगी? सेम। तो बस यही तो मैं कर रहा था, जब मैंने ये किया था तो मैंने यहाँ पे ये इतना सा पोर्शन डी क्यू ले लिया था, तो मैंने इसके कोरिस्पॉन्डिंग लेमडा है उसको लिख दिया था DQ/DL। अगर आप बोलते हो कि ये डी लेमडा होना चाहिए तो फिर तो ये भी DD होना चाहिए, बट ये DD नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप छोटा पोर्शन लेते हो तो उसमें Q की जगह चार्ज DQ आ जाता है और लेंथ भी L की जगह छोटी हो जाती है DL, बट लेमडा क्या रहता है? सेम रहता है, जैसे यहाँ पे D क्या रहा? सेम रहा। तो आई होप अगर ये भी किसी को डाउट हो तो ये भी किसी को क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है अपने पास कुछ टाइम, देखते हैं। हाँ स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो F आपका क्या है? K Q0 और अंदर DQ/R2 F = KQ0। अगर मैं आपको एक चीज़ पूछूं, लेमडा क्या होगा? DQ/DV, तो यहाँ से लेमडा नहीं रो, DQ/DV, और तो यहाँ से आपका जो DQ है वो कितना आ गया? Rho dV। तो आप इसके अंदर रख लो, इसके अंदर अगर आप रखोगे तो KQ0 और DQ की जगह आप रख लो इसके अंदर Rho dV और बाई में R2 और इसका इंटीग्रेशन, तो आपका जो F है वो कितना आ गया? KQ0 Rho dV/R2 और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने निकाल दिए। मेरे हिसाब से इसमें अब कोई डाउट है वो आपका नहीं बचना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कर लोगे ना? कर लोगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और करवा रहा हूँ मैं आपको और उसके बाद ये कबाड़ा ख़त्म है, लीनियर चार्ज एटसेट्रा वो वाला चार्ज, ये सिस्टम ख़त्म है, फिर चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। देखो इस फोर्सेस को मिटा दो, नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स,
ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है कि ये कोई वायर है, इसके ऊपर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ एक चार्ज ले आए क्यू नॉट। तो इतनी देर तो ये पूछा था कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, अब ये पूछ रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले लीनियर वाले की बात करूँ तो लीनियर वाले में फोर्स क्या था, के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ये था ना। ई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, तो बस क्यू नॉट को डिवाइड कर दो, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और बटे में भी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इंटी के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। कर लोगे इसको ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर आपको पूछ ले कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वही बात, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ से आपका जो F है वो क्या आता है कि ये क्यू नॉट सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, यही था ना। E क्या हो गया, F अपॉन में क्यू नॉट, तो के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर और बटे में भी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E कितना आ गया, के सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, आप दोनों कर सकते हो, हाँ ये वाला भी कर सकते हो आप, ये वाला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी कर सकते हो सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तीसरा देखो, अब थर्ड, थर्ड अगर बात करें इसके अंदर, तो थर्ड आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हेडिंग तो वही है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कोई वॉल्यूम है और इसके अंदर आपने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके कारण जो फोर्स था वो कितना था, वो था के और के क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर, ये था ना। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई आपका क्या होगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, आप इसमें क्यू का डिवाइड कर दो, के क्यू नॉट रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर और बटे में भी क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट आप कैंसिल कर दो, ई आपका क्या हुआ, के इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये किसके कारण आ गया, ये आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आप तीनों के कारण कर सकते हो, आप लीनियर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आप सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो देखो आपने डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरा कंप्लीट कर लिए, आपने ये पूरा पढ़ लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, चार्ज को इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो वाला, उसके बाद आपने लीनियर वगैरह के तीनों को डेंसिटी देखी, डेंसिटी देखने के बाद में आपने तीनों टाइप के फोर्सेस निकाले उसके बारे में, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया, और उसके बाद लास्ट एंड लास्ट हमने क्या किया, फील्ड बताया। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके अलावा बस कर लेना इतना अच्छे तरीके से, और बाय।